पर्व त्योहार का महीना शुरू हो चुका है। दुर्गा पूजा के बाद अब विवाहित महिलाएं करवा चौथ की तैयारियों में जुट गई हैं। इस साल करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर अखंड सौभाग्यवती की कामना के साथ व्रत रखती हैं और फिर चांद का दीदार कर व्रत खोलती हैं। लेकिन इस बार नवविवाहित महिलाएं ये उपवास नहीं रख पाएंगी। इस बार करवा चौथ पर शुक्र ग्रह अस्त हो रहा है और जब शुक्र ग्रह अस्त होता है तो नवविवाहित महिलाएं व्रत नहीं रख सकती। आइए जानते हैं शुक्र अस्त होने का अर्थ क्या है। करवा चौथ पर शुक्र अस्त होने का मतलब प्रेम, दाम्पत्य जीवन, धन आदि में शुक्र ग्रह की अहम भूमिका होती है। शुक्र को सुखी वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। गुरु और शुक्र के अस्त होने पर विवाह, मुंडन, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस बार 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक शुक्र अस्त है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो महिलाएं इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, उन्हें इस बार व्रत नहीं करना चाहिए। शुक्र अस्त होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत इस बार सिर्फ वही महिलाएं करें जो पहले से ये व्रत करती आ रही हैं। लेकिन इस साल शुक्र अस्त होने से करवा चौथ का उद्यापन भी नहीं होगा। किसी भी ग्रह के अस्त हो जाने की स्थिति में उसके बल में कमी आ जाती है और वो कुंडली में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं रहता। बता दें कि हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है।